राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में। सरकार प्लास्टिक मल्चिंग पर 75% सब्सिडी है वो दे रही है, तो आप इसका लाभ है वो कैसे ले सकते हैं तथा मल्चिंग लगाने में कितना खर्चा आता है, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो देंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट अगर फैक्ट्री से आपको मल्चिंग वगैरह खरीदनी है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर इस कंपनी है, इसके जयपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये खुद प्लास्टिक मल्चिंग वगैरह है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो डायरेक्ट अगर आप फैक्ट्री से ये प्लास्टिक मल्चिंग मंगाना चाहते हैं तो इन दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल करके इनसे है प्लास्टिक मल्चिंग है वो मंगवा सकते हैं। ये बाजार से आपको लगभग आधी रेट के अंदर प्लास्टिक मल्चिंग है मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ISI मार्क की प्लास्टिक मल्चिंग है वो आपको मिलेगी। अब देखिए आप वीडियो को और जानकारी लीजिए सभी प्रकार की मल्चिंग में क्या क्या होता है। बात करेंगे प्लास्टिक मल्चिंग सब्सिडी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लगाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है, इसमें कितना खर्चा आता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए। साथ ही अपन जानेंगे कि घर बैठे अपन मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का वो फ़ायदा अपन ले सकते हैं। और ये साल में आप एक बार आवेदन कर सकते हैं, मतलब 2 साल में एक बार आप आवेदन कर सकते हैं। और ये इसके लाभ क्या क्या हैं, मतलब ये आधुनिक फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जल की कुशलता उपयोग एवं फसल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाए जाने हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही अपन जान लेते हैं सब्सिडी के बारे में। तो इसका प्लास्टिक मल्च की लागत का 50% अधिकतम ₹16,000 प्रति हेक्टेयर की दर से पहले देता, ये 2021 से पहले ये ₹16,000 देता, और एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ये अनुदान दिया जाता है। मतलब अधिकतम आप 2 हेक्टेयर के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये घोषणा कर दी है कि लघु सीमांत किसान हैं उनको ये प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हेक्टेयर यूनिट जो बढ़ाकर पहले जो मतलब ₹32,000 एक हेक्टेयर में लगाने का खर्चा आता है, जिसका प्रति मतलब 50% होता है, वो ₹16,000 पहले मिलता था, लेकिन अभी उनको बढ़ाकर 75% कर दिया है और ये ₹24,000 अनुदान ये मिलता है। मतलब अगर अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये ₹24,000 है की सब्सिडी प्राप्त होगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को ये अतिरिक्त अनुदान है, ये टॉपअप सब्सिडी है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अनुसार दी है और 50% लघु एवं सीमांत कृषकों को किसानों को ये लाभान्वित किया जाएगा इस सब्सिडी के द्वारा। और सर्वप्रथम सबसे पहले इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले ये लाभ नहीं लिया है। मतलब अगर आपने पहले 2021-22 के अंदर इसका लाभ नहीं लिया है तो ये आपको 75% सब्सिडी का लाभ है ले सकते हैं। अभी जो 70 चल रहा है वो 2022-23 70 चल रहा है, तो अगर पिछले साल आपने इसका लाभ नहीं लिया है तो इस साल आप ले सकते हैं। और प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हेक्टेयर का जो खर्चा आता है, मतलब लागत आती है, वो ₹32,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है और इसमें 50% राशि है अनुदान ₹16,000 होती है और 75% अनुदान है वो ₹24,000 होता है। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, जमाबंदी की नकल चाहिए जो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और फर्म की कोटेशन चाहिए। पात्रता क्या है, मतलब आवेदक के पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए और सिंचाई का है वो साधन होना चाहिए, ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब खुद की ज़मीन होनी चाहिए और सिंचाई का मतलब ट्यूबवेल, कुआ या जो भी है सिंचाई का वो साधन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप आवेदन कैसे करें और इस प्लास्टिक मल्चिंग सब्सिडी का लाभ है वो कैसे ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करके। मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊँगा कि आप मोबाइल से घर बैठे ये आवेदन कैसे कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे rajkisan.rajasthan.gov.in गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले इसको काट दे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए और ये जो मैंने अभी जानकारी दी है ये आपको देखना है कि ये जो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप उद्धान में क्लिक करिए, उद्धान में क्लिक करने के बाद में यहाँ राइट साइड में देखिए प्लास्टिक मल्चिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। इसका उद्देश्य क्या है मैंने पहले भी बता दिया है कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए काम में आती है और जल की उपयोगिता मतलब जल की नमी है वो बढ़ाए रखती है और फसल की उत्पादक की गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। और ये अनुदान है सब्सिडी है वो अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दे होती है
मतलब सामान्य किसानों को ये 50% सब्सिडी दे है, और लघु एवं सीमांत और महिला किसानों को ये 75% सब्सिडी दे है। आवेदन की पात्रता है वो मैंने पहले ही बताई है कि उनके पास खुद की जमीन होनी चाहिए और सिंचाई का जो साधन है वो होना चाहिए। आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें यही सिखा रहे हैं। तो आप ई मित्र से करना चाहें तो आप ई मित्र से भी कर सकते हैं, घर बैठे आप अगर करना चाहें तो आप घर बैठे करना चाहिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, उसके बाद में जैसे ही आपका नंबर आ जाता है उसके बाद में लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण बिंदु प्लास्टिक मलेचिंग का निर्माण है उद्योग उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। मतलब आपका नंबर आने के बाद में ही आपको ये लगाना है और ये अनुदान है, मतलब ये सब्सिडी है, सीधी किसान के खाते में ही आएगी है, किसी कंपनी वाले के अकाउंट में नहीं जाएगी। जो आपके जनाधार में जो अकाउंट नंबर लगा हुआ है उसी अकाउंट नंबर में ये सब्सिडी आएगी। यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको किसान नागरिक लॉगिन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक एसएसओ आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा जनाधार से भी कर सकते हैं। अगर आप एसएसओ आईडी से करना चाहे तो एसएसओ आईडी पे क्लिक कर दे, या जनाधार से करना चाहे तो यहाँ पे आप अपना जनाधार नंबर डालिए। जनाधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे उस किसान का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिस किसान के नाम से ज़मीन है या जिसका भी आपको आवेदन करना है वहाँ का, उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके दिए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ये ओटीपी आप यहाँ पे डाल के आवेदन सबमिट करिए, और जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपका होम पेज आ जाएगा, मतलब किसान का होम पेज आ जाएगा। अब तक हमने टोटल 11 आवेदन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फार्म पोंड है, डिगी है, पोली हाउस है, वाटर टैंक है, तारबंदी है, इरिगेशन पाइपलाइन है, फार्म इम्प्लीमेंट्स है। इन सब के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिए हैं और प्रैक्टिकली मोबाइल के द्वारा घर बैठे कैसे आवेदन करने हैं ये उस वीडियो के अंदर करके दिखाया गया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। अब नया आवेदन आप करना चाहते हैं या तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करिए, आवेदन के लिए क्लिक करिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन आते हैं, कृषि सब्सिडी सेवाएं, बीज उत्पादन कार्यक्रम और बागवानी सब्सिडी सेवाएं। यहाँ पे आपको बागवानी सेलेक्ट कर लेना है। बागवानी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करिए, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लास्टिक मल्च सब्सिडी लिखा हुआ है। देखिए इधर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लास्टिक मल्च सब्सिडी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मतलब यही इन्फॉर्मेशन कुछ बताई गई है, आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है। ये हिंदी में दी हुई है, एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान दे है, किसान खुद की जमीन नाम होनी चाहिए, आवेदन के समय जो जमाबंदी और पासबुक है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, किसान द्वारा आवेदन मतलब वित्तीय वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष योजना में लाभांश, मतलब ये 2 साल में सिर्फ एक बार ये सब्सिडी मिलती है। अगर आपने पिछले साल ये ले लिया है तो इस साल नहीं मिलेगी आपको, अगले साल फिर मिल जाएगी। और कृषक के पास, किसान के पास ड्रिप संयंत्र स्थापना होनी चाहिए, मतलब ड्रिप संयंत्र सिस्टम है वो होना चाहिए। अगर उसका भी आप वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि ड्रिप संयंत्र में भी सरकार सब्सिडी दे रही है, उसका अगर लाभ लेना चाहे तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगर आप लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो जनाधार में अपनी श्रेणी जुड़वा लें, तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लघु एवं सीमांत किसान में अगर आप आते हैं तो आपको सब्सिडी है वो 75% मिलेगी, अन्यथा आपको सब्सिडी है वो 50% ही मिलेगी। अगर आपने नहीं जुड़वाया है तो पहले आप जाके ये नाम जुड़वा लें। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आप अर्बन है, रूरल है वो सेलेक्ट करना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे खाता नंबर डालना है और ये खसरा नंबर डालना है। ये खाता नंबर और खसरा नंबर आपको आपकी जमाबंदी में मिल जाएंगे,
जमाबंदी में देख के खाता नंबर या जिस भी खेत में आप ये लगवाना चाहते हैं उसके खसरा नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे क्रॉप की डिटेल है वो सेलेक्ट करने के लिए है, एग्रीकल्चर क्रॉप है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या अदर कोई भी है, तो आप मैं बताऊँ आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फ्लोर है, मेडिसिन है, बागवानी है, वेजिटेबल है, जो भी आप सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपकी मर्जी है जो सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने ये सेलेक्ट कर लिया और फिर आपको इसी चीज़ की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे लगाने के लिए जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आंवला है, बेल है, बेर है, पपीता है, मैंगो है, जो भी सेलेक्ट करना है वो कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, मतलब जिनसे आप ये लगवाना चाहते हैं या जो ये प्लास्टिक की जो सीट है वो आप ख़रीदेंगे वो कौन से डीलर से ख़रीदेंगे, उन सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आपको रजिस्टर्ड डीलर से ही ख़रीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक हेक्टेयर के लिए 32,000 रुपये सरकार ने फिक्स कर रखा है। ये डीलर से अगर आप एक हेक्टेयर के लिए ख़रीदोगे तो आपको 32,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 24,000 रुपये 75% सब्सिडी वो सरकार आपको दे देगी। और अगर आप सामान्य किसान श्रेणी में आते हैं तो 50% सब्सिडी है वो सरकार आपको प्रोवाइड करवा देगी। यहाँ पे किसी भी डीलर का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आप किसी भी डीलर से ये लगवा सकते हैं। अब सेलेक्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन, मतलब पानी की क्या व्यवस्था है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। कुआ है, डिग्गी है, फार्म पॉन्ड है, जल होज है, ट्यूबवेल है, जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये जो सिंचाई की व्यवस्था है वो खुद की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये जॉइंट में है तो उनके भी खसरा नंबर और खाता नंबर आपको डालने होंगे। अगर आप नेबर पड़ोसियों से अगर पानी ले रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था ले रहे हैं, उनका एफिडेविट एक लगेगा कि हम इनको 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए पानी देंगे। फिर यहाँ पे है सेलेक्ट सीट, सीट की जो माइक्रोन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा कि आप 30 माइक्रोन ही सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे एक डम्मी फॉर्म भर रहा हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर लिया है हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे लैंड एरिया है वो सेलेक्ट करें, क्योंकि अधिकतम ये 2 हेक्टेयर तक सब्सिडी मिल रही है तो आपको अधिकतम 2 हेक्टेयर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टोटल लैंड एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ फार्मर, ये मार्जिन स्मॉल अदर है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया अगर आपने लघु एवं सीमांत किसान में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी अपना जन आधार लेके मित्र पे जाइए और वहाँ पे आप अपनी श्रेणी अपडेट करवा लें ताकि सब्सिडी का लाभ अधिकतम आपको मिल सके। क्योंकि लघु एवं सीमांत किसान में अगर आएंगे तो आपको ये सब्सिडी हो 75% सब्सिडी मिलेगी, और सामान्य किसान या अन्य में अगर आप आ गए तो आपको 50% सब्सिडी ही मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको जमाबंदी अपलोड कर देनी है और एक नक्शा अपलोड कर देना है। ध्यान रहिए जमाबंदी और नक्शा है ये 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने पुराना है तो ये आपका फॉर्म हो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नक्शा है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये दोनों PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। यह सब अपलोड करने के बाद में डिक्लेरेशन भी आपको क्लिक कर देना है, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी सही दी है मैंने और एक पिछले साल मैंने कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं की है, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। और जन आधार की डिटेल है ये उठाने की बात करें, मतलब जन आधार की डिटेल है वो ये ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो सब्सिडी आएगी वो जन आधार में जो अकाउंट नंबर लगा हुआ है उसी पे आएगी। तो ये सब पे टिक लगाने के बाद में ये फॉर्म सबमिट होएगा, जैसे आप टिक लगा के सबमिट करते हैं तो ये आपके पास एक और पॉपअप खुल के आ जाता है जिसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप चेक कर सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी सही है या गलत है। अगर कुछ गलत है तो आप नीचे जाके कैंसिल करके उसको अपडेट कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर इनमें आप ध्यान से चेक कर लें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कैंसिल पे क्लिक करके अभी आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, और ये सारा सब सही है तो आप कन्फर्म करके इसको सबमिट कर दें। जैसे आप कन्फर्म करके इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ आएगा, ये मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है आपको संभाल के रखना है। अगर आप ई मित्र से ले रहे हैं तो आपको इस रसीद की प्रिंट आउट निकलवा लेना है
और अगर आप मोबाइल से घर बैठे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप जैसे अपना जनाधार नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो ये आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे रिपोर्ट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म लगाया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ऊपर स्क्रॉल करिए, अभी अपन ने फॉर्म लगाया है, ये देखिए प्लास्टिक मल्च आ गया ना, प्लास्टिक मल्च सब्सिडी के लिए, तो ये हमने अभी फॉर्म लगाया है और ये तुरंत इस रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके इनमें जो भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो ये था पूरा कम्प्लीट प्रोसेस प्लास्टिक मल्च सब्सिडी लेने के लिए, घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें। अब इसमें सारी डिटेल मैंने दे दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे भर के दिखाया है मैंने फॉर्म। यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी कि प्लास्टिक मल्चिंग है उसमें लगाने में कितना खर्चा आता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी के लिए आप कहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कैसे इस सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैसे किया जाता है, मतलब घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारी है वो आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। साथ ही हमने आपको शुरू में एक कंपनी का नंबर भी प्रोवाइड करवाया जिस पे अगर आप बात करेंगे तो ये प्लास्टिक मल्चिंग है आपको मार्केट से आधी रेट के अंदर मिल जाएगी, पूरे भारत में इसकी ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है, पूरे भारत में ये डिलीवरी अवेलेबल करवा देंगे, कहीं पे भी आप इनसे माल है वो मंगवा सकते हैं। जयपुर में इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लास्टिक मल्चिंग वगैरह ये बनाते हैं और ये सिल्वर और ब्लैक कलर दोनों के अंदर आता है, तो जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके है वो आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्चिंग इनके पास अवेलेबल है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ ही प्रकार की अन्य कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पहुंच सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो किसानों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं ताकि किसान भाई को अच्छा नॉलेज है वो मिल सके, अच्छी जानकारी है वो मिल सके। धन्यवाद।